आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है इससे 24x7 न्यूज में। भाई ने किया अपनी ही बहन का बहिमाना कत्ल। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद टोली चौकी आदम कॉलोनी जुबेदा मंजिल में एक आरिफ नामी 35 साल शख्स ने अपनी ही बहन रईस फातिमा उमर 41 साल का चाकू से गर्दन पर वार करके बहिमाना कत्ल कर दिया। मुतासरा खातून को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने रईस फातिमा को मुर्दा करार दिया। मकतूल रईस फातिमा के बेटे ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। गोलकुंडा पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मजीद तहकीकात कर रही है। देखते हैं ये कत्ल की वारदात। आपका नाम? मेरा नाम सैयद फैजान अली। हाँ। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद मुस्तफ़ा अली और मेरे मम्मी का नाम रईस फातिमा है। ये सुबह एक नोटिस आई कहती नीचे पूरे दुकान वालों को, तो वो नोटिस आई तो ऊपर आके बात करें ये कभी नोटिस होती है, तो नोटिस के चक्कर में हमारे मम्मी को मैं खाना ला के गया बाहर से खाना ला के नाश्ता खिला गया। नाश्ता खिला के मम्मा हाथ धोने बाहर निकले, पानी नहीं आ रहा था तो चूल्हे में गए। चूल्हे में जाते थे हमारे जो आरिफ बोल गए चाचा मामा सॉरी उन्होंने आए आके क्या करे चाकू लिए, चाकू लेके हमारे मम्मा का पहले सर के ऊपर के पूरे बाला पकड़ के उनको नीचे लेटा के गला काटना शुरू कर दिया। सबको बता रहे मैं सबको काट देता हूँ। कहीं को ऐसा काटने की वजह क्या है? कुछ पहले की वजह ये पैसों का है जो भी मैटर है। क्या पैसों का है? प्रॉपर्टी के बारे में। ये घर की प्रॉपर्टी? हाँ, ये घर की प्रॉपर्टी के बारे में है। ऐसा तो कभी हुई लड़ाई आपके घर में? कभी अभी कभी कभी हुई थी, दो तीन बार हुई थी लड़ाई। ऐसा पुलिस कंप्लेंट दिए थे आप लोग? कंप्लेंट हुई थी इससे पहले। हाँ, इसके बाद क्या हुआ था? अरे नाना रहने टाइम पे भी हुई थी, तो वो टाइम पे छोड़ दिए थे मम्मा पुलिस वाले बुलाते। हाँ। तो ये टाइम इन्होंने मर्डर कर दिया हमारे मम्मी का। और हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, मेरे ही पुलिस वाला 70 है और जो भी है मैं घुमा मुझे जो भी है पुलिस वाला पूरी गुजारिश है मेरे को। हम लोग जो भी है हमारे मम्मा के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी है। मिनट पर अपना पेट्रोल पंप को डायल हैंड कॉल आया था एक बहन को भाई डाल दिया वहाँ की फ़ौरन अपना स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन दिया तो हम भी वहाँ पर स्पॉट पे चले गए। ये बहन का और फैमिली मेम्बर्स का डिस्प्यूट है, वो डेथ हो गए सब। उनके नाम रईस फातिमा है। 2003 उनका जो टाइम पे शादी हुआ, एक दो साल के बाद में उसका हस्बैंड डेथ होने के बाद उनके घर पे आके रह गया और उन्होंने और उसके दो बच्चे भी पेरेंट्स के पास ही रह गए और डिसीज्ड हो और उसका बाया पूरे 5 लोग हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ भी आर्गुमेंट्स होना, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में भी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। उसमें डिसीज का फिंगर वन राइट आरिफ है उसका नाम, तो उनका टॉर्चर बहुत कर रहे बोलते उन्होंने घर भी खाली करके नियर बाई लोकेशन पे ले घर ले लिया। तो फिर भी बाद में हर बार आके उसका बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप क्या मना हम दे देंगे या ऐसे हट जाओ बोले, तो उन्होंने बार बार मैं नहीं जाता मैं केस जाता हूँ कि वर्ड्स दे रहे थे अभी तो वजह से भी मैं बोल रहा हूँ मेहमान में, तो उससे हम मैं ये कदम उठाना पड़ा। आज भी सुबह बातचीत में कर रहे हैं उनको जाने के लिए बोल रहा हूँ मैं उन्होंने नहीं जा तो मुल्क मना कर रहे हैं, तो उससे फिर है कि मैं उसके ऊपर तो चल रही थी उससे मैं हमला करा बोलती है मालूम पड़ा उनका डेथ करे तो थोड़ा सांस था तो हॉस्पिटल शिफ्ट होने के टाइम पे डेथ हो गई। डेथ का हॉस्पिटल शिफ्ट करे थे तो डेथ का सेक्शन हुई है एम नॉट टू भी रिपेयर करेंगे उसका। ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि मालूम नहीं क्योंकि उन्होंने सिल्वर बिजनेस करता है फैमिली पूरा उन्होंने वेट करता बल्कि मालूम नहीं।